like the Kabir Singh wali. Kabir Singh and bahut badi badi mere jaisi beard hoti hai uski to. Jata katah sambhram brahmanilim panirchari vilol beech vallari virajman murghani. Chwalalalat patt paavke Kishor chandra shekhare Rati pratishanam mama. आप क्या प्रिफर करेंगे, एक बियर्डेड मैन या फिर बिल्कुल क्लीन शेवर जैसे जस्टिन बीबर होता है, या फिर शाहिद कपूर की बियर्ड वाली मूवी अभी आपने देखी होगी, तो क्या प्रिफर करेंगे आप? बियर्ड. बियर्ड क्यों? बियर्ड में लोग मतलब क्या क्या होता है, मतलब कुछ बोलते हैं कि क्लीन शेवन पसंद है क्योंकि हैंडसम लुक आता है, कुछ लोग बोलते हैं बियर्ड पसंद है क्योंकि रफ एंड टफ लुक आता है, क्या क्या यार? अपनी अपनी चॉइस है, आप अगर शेव करके आ जाओगे लोग क्लीन शेव होकर छोटे बच्चे लोग होगे ना. Him to do you so much, you could do anything. Exactly, यही पॉइंट है, यही मेरा भी यही पॉइंट था. आपको क्या पसंद? मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट लोगों पे ना डिफरेंट चीज़ें सूट करती हैं. सो बियर्डेड लोग ज़्यादातर इसलिए ज़्यादा पसंद आते हैं बिकॉज वो ज़्यादा मैनली लगते हैं, यू नो, इसलिए मुझे लगता है बियर्डेड लोग ज़्यादा पसंद आते हैं. बट आई थिंक कुछ लोगों पे नॉर्मल भी बहुत अच्छा लगता है. ओके, तो डिपेंड करता है मैन. क्लीन ऑब्वियसली, बिकॉज जिनकी लंबी होती है दे लुक वेरी शैबी एंड दे डू नॉट हाउ टू यू नो कंट्रोल एंड कुछ मे बी आई डोंट लाइक देम बिकॉज आई जस्ट लाइक क्लीन. ओके, आई लाइक द बियर्ड वंस. अकॉर्डिंग टू मी लाइक बियर्ड वंस आर मोर हैंडसम एंड स्मार्टर देन द शेव्ड वंस. आई लाइक द कबीर सिंह वाली. कबीर सिंह एंड बहुत बड़ी बड़ी मेरे जैसी बियर्ड होती है उसकी तो. आई लाइक बड़ी बड़ी वाली. बियर्ड 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 क्लीन शेवन क्यों नहीं पसंद आता है? बियर्ड तो क्या करें. ओके, ऑफ कोर्स बियर्ड. ओके, बियर्ड. बियर्ड अगेन. और आपको एकदम क्लीन शेवन पसंद? या मतलब नॉट एग्जैक्टली क्लीन शेवन, थोड़ी फ्रेंच हो बट एटलीस्ट थोड़ी ट्रिम एंड थोड़ी नाइसली हो, मतलब क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा लंबे से लोग दे लुक वेरी शैबी फॉर मी. बट जहां तक मेरे को लगता है और जहां तक इनका ओपिनियन मुझे लगता है कि यू नो गर्ल्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा मैस्कुलर दिखते हैं, मैस्कुलिन दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? इट इज नॉट लाइक दैट ऑब्वियसली. मैस्कुलिनिटी तो किसी और वे से भी, बट व्हाई ओनली यू नो बियर्ड? डू लाइक अ बॉय और अ मैन? ऑफ कोर्स अ मैन, बट दैट इज नॉट माय पॉइंट ना. सो कैच इट बिच. स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा, बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स, राइट? तो एक फिटनेस का बंदा है, सपोज आपका ही बॉयफ्रेंड है, वो बंदा हाथ में उसके स्टेरॉइड पसंद आएगा या फिर सिगरेट? अ ग्लास ऑफ वाइन मे बी. ओके, ग्लास ऑफ वाइन. बट स्टेरॉइड से उसकी फिटनेस बन सकती है, वाइन से हो सकता है कि हार्ट के लिए स्किन के लिए अच्छे होते हैं वाइन भी. आपको क्या? मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें, आई मीन स्टेरॉइड्स का मैंने जितना सुना है मुझे उतना पता है कि वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं बॉडी के लिए. सो एज पर मी दोनों ही ना हो तो बेटर है. अच्छा, नहीं सी, स्टेरॉइड से भी साइड इफेक्ट्स हैं और सिगरेट के भी साइड इफेक्ट हैं, बट सिगरेट से उसको कुछ बेनिफिट तो है नहीं और स्टेरॉइड से उसकी बॉडी बन सकती है. अब अगर सिर्फ यही दोनों ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली आई विल गो नॉट फॉर द सिगरेट, फॉर द स्टेरॉइड्स मे बी. ओके, फॉर द स्टेरॉइड्स मे बी. क्या देखना पसंद? मेरा वाला तो सिगरेट पीता है तो सिगरेट. अच्छा. सो जैसे एक होता है कि मैसी हेयर हो गया आपका और ढीली सी टी शर्ट पहनी है, पजामा पहना है, और एक होता है बंदा वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, तो क्या आप प्रिफर करते हैं एक मैन में? वेल ड्रेस्ड. वेल ड्रेस्ड. ओके ओके. वैसे लूज टी शर्ट ये सब पसंद नहीं है? नहीं, कोर्स लूज टी शर्ट ऑलवेज, बंदा कैजुअल रहना चाहिए ना हर टाइम, फॉर्मल नहीं ना. फॉर्मल्स के लिए ऑफिस में डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. मेरे तो दोनों कंफर्टेबल हूं मैं, बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सी, कंफर्ट ओवर एवरीथिंग. कंफर्ट इज अ मेन थिंग, राइट? या कंफर्ट ऑब्वियसली, बिकॉज़ इफ यू हैव टू वर्क इन द ऑफिस एंड सिट 24 आवर्स ओवर देयर, सो आई थिंक कंफर्ट ओवर एवरीथिंग. इट इज अप टू हिम और ऑब्वियसली हिम. सो इट इज अप टू हिम दैट हाउ ही ड्रेसेस अप. Exactly up to him, because you can, because in India I feel people are very judgmental. So well dressed. Yes, that is pretty obvious. Well dressed. And I like the pajama one, wearing the loose shirts and t-shirts, like a cool personality, like it is suiting on him. Yeah.
Do you like Justin Bieber? अच्छा, और एक चीज मैं मतलब सोचता हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में आती है कि कई बार ऐसा दिखता है ना कि एक लड़की है, अच्छी सी दिख रही है, सुंदर सी लड़की है, उसके साथ जो लड़का चल रहा होता है वो बहुत ही पोपलू टाइप होता है, तो ऐसा ऐसा क्या, ऐसा क्या मुझे इसका रीजन समझना है, एक लड़की से जानना है क्या रीजन इसका? लव एट फर्स्ट साइट. लव एट फर्स्ट साइट. अच्छा, और बातों से प्यार. प्यार अंधा होता है. अच्छा, प्यार अंधा होता है, लुक्स नहीं, लुक्स है तो अच्छी चल रहे हैं तो आई थिंक प्यार अंधा ही होता है फिर तो. और आपके साथ क्या? सही है, कंपेटेबल नहीं होना चाहिए, लड़कियां भी चाहती हैं लड़का थोड़ा छोटा ही लगे ना, कम ही लगे तो बस. अच्छा, तो लुक्स में कम होगा तो ज्यादा इधर उधर नहीं डरेगा. मैन विद अ बाइक, मैन विद अ कार. कार, बाइक, बुलेट. डू लाइक अ बुलेट? या, आई लाइक द बुलेट वन. उसके हाथ में आप प्रोटीन शेक देखना ज्यादा पसंद करते हैं या बियर? बियर, पंजाबी तो बियर ही पसंद करेंगे ना. अच्छा, प्रोटीन शेक नहीं, या दोनों चलेंगे? डिपेंड्स. डिपेंड्स. आप प्रोटीन शेक ज्यादा बेटर लगेगा. सो मैं प्रोटीन शेक, एक बंदा फिट है, एब्स हैं, और एक है नॉर्मल टमी भी चलता है, तो क्या क्या प्रेफर करते हैं? उसकी चॉइस है, वो कुछ भी चलेगा मुझे. कुछ भी चलेगा, एब्स नहीं, मतलब एब्स आपको क्या पसंद है? वही अलग अलग लोगों पर अलग अलग चीज़ें सूट कर जाती हैं. अगर मेरे को, इफ़ आई फील फॉर द गाय, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी एब्स हैं या थोड़ा टमी भी है, फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट डजंट मैटर फॉर यू. आपके लिए ऑब्वियसली एब्स लुक्स गुड, बट आई वोंट डाई फॉर एब्स, ओनली एब्स. एब्स मतलब बंदा फिट होना चाहिए. और एज पर मी नहीं यार, होने चाहिए चबी, होने चाहिए थोड़े, थोड़ा सा चबी होना चाहिए. फिट बंदा, एब्स, रिब्ड, ऐसा कुछ नहीं, एकदम फिट नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए. अच्छा, अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जो बंदा आपका बॉयफ्रेंड है वो एब्स बना रहा है, तो एक लड़की के लिए तो बनाएगा नहीं, वो इम्प्रेस करने के लिए बना, ऐसा भी कुछ है? मैं ये लाइन कहने वाली थी, बिकॉज बेचारे ने इतनी मेहनत करी है, एक के लिए तो नहीं करी होगी समहाउ, तो इट्स बेटर कि अगर एब्स ना हो और मेरे साथ टिक जाए, आई विल बी हैप्पी. I still love you. अच्छा, चलो ठीक है, बंदा लॉयल है. अब फिटनेस फ्रीक होना चाहिए या फिर नहीं भी है तो चलेगा? फ्रीक ना हो तो बेटर है. अच्छा, बिकॉज फिर तो वो मुझे भी नहीं खाने देगा ना. व्हाट्स योर नेम?